क्या आप अपना स्नैपचैट स्कोर इंक्रीज करना चाहते हैं? अभी देखिए, मेरा स्नैपचैट जो स्कोर है वो अभी 2 है, क्योंकि मैं इसको इतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता। अगर आपने अपना स्नैपचैट स्कोर इंक्रीज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपने ये करना है, सिंपली आपने सर्च पे चले जाना है और यहाँ पे आपने जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उन सबको आपने यहाँ से फॉलो करना है। लेट्स गो, यहाँ मैं कर देता हूँ, किसी एक को यहाँ मैं फॉलो कर देता हूँ। लेट्स गो शाहिद अफरीदी। अब इसको किसी एक को मैं यहाँ से फॉलो कर देता हूँ। लेट्स गो, यहाँ से किसी एक को इसको मैं फॉलो कर दी, शाहिद अफरीदी। इस तरह आप मज़ीद कुछ सेलिब्रिटीज़ को सर्च कर सकते हैं। मैं यानी इसी तरह की जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं उन सबको आपने, जस्टिन बीबर है इसको आपने यहाँ से इस तरह फॉलो करना है। इस तरह के जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उन सबको आपने सबसे पहले तो फॉलो कर देना है। पहला काम आपने सिंपल ये करना है। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, जितनी भी सेलिब्रिटीज़ को आपने फॉलो कर दिया है अब उन सबको आपने रोज़ स्नैप भेजनी है अपनी, यानी डेली की आपने सबको स्नैप्स भेजनी है। अब मैंने आपको सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करने का क्यों कहा है, वो इसलिए कि किसी आम बंदे को आप इस तरह रोज़ अपनी स्नैप्स नहीं सेंड कर सकते। यानी बहुत ज़्यादा नहीं, आपके 2-10 फ्रेंड्स होंगे या 100 फ्रेंड्स होंगे जिनको आप सेंड कर सकेंगे, और हर किसी को आप डेली इस तरह स्नैप सेंड नहीं कर सकते। और जब आप सेलिब्रिटीज़ को सेंड करेंगे तो उनको ऑलरेडी बहुत से लोग सेंड करते हैं, उससे उनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरह करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी यहाँ से देखें कोई भी स्नैप ले लेनी है, कोई भी स्नैप अपनी लेकर, स्नैप लेने के बाद उसको आपने यहाँ से नेक्स्ट करके, जैसे नेक्स्ट करेंगे उसका जितनी भी सेलिब्रिटीज़ आपने फॉलो किया होगा वो सब यहाँ पे आपको नीचे बॉटम में शो हो जाएंगे। अब एक साथ आपने सबको सेलेक्ट करना है। सबको सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली सेंड कर देना है, आपकी स्नैप जो है वो सबके पास चली जाएगी। तो इस तरह जितनी ज़्यादा स्नैप्स आप डेली भेजेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्नैपचैट स्कोर है जो इंक्रीज़ होता रहेगा।